बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स द न्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूल स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन। कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंडिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोचनी बालाघाट। कॉन्टेक्ट डिटेल 9424969460@77002901। विगत दिनों जिले के नक्सल प्रभावित गढ़ी थाना क्षेत्र के बसपहरा के जंगल में मिले झाम सिंह धुर्वे के शव को लेकर पुलिस पर लग रहे फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच प्रारंभ हो गई है। इस मामले में जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने बैहर के अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को जांच अधिकारी नामित किया है। उन्हें इस मामले से जुड़ी जाँच रिपोर्ट 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। क्या सर टाइम बाउंड रहेगा इसमें, कब तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा अधिकारी? मजिस्ट्रियल जांच में जब भी कोई दुर्घटना होती है, एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर में किसी की मृत्यु होती है तो मजिस्ट्रियल जांच इसमें कराई जाती है। मजिस्ट्रियल जांच को संबंधित क्षेत्र के अपर कलेक्टर सामान्य तौर पर वह करते हैं और उसमें 1 माह का समय उनको दिया जाता है। 1 माह के अंदर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स और तथ्यों के साथ वो एक प्रतिवेदन प्रस्तुत आगामी कार्रवाई की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे कान्हा नेशनल पार्क के कोरजोन इलाके में बीते दिनों एक व्यक्ति का शव मिला था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने क्षेत्र में विस्तार दलम के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होने की जानकारी दी थी, लेकिन मृतक झाम सिंह धुर्वे के परिजन और स्थानीय नेताओं ने इस घटना को लेकर फर्जी मुठभेड़ के आरोप पुलिस पर लगाते हुए झाम सिंह की मृत्यु पुलिस की गोली से होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही बालाघाट पुलिस की कार्यवाही शक के दायरे में दिखाई दे रही है। इसी को लेकर बालाघाट कलेक्टर ने दंडाधिकारी जांच के लिए आदेश जारी करते हुए जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है, जिसके द्वारा अब इस पूरे मामले की जाँच करते हुए 1 माह के भीतर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। जिले में 29 अगस्त को हुई अतिवर्षा से प्रभावित हुए भंडारकों के आदिवासी ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस दौरान उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवीन चौधरी भी मौजूद रहे। बताया गया कि बारिश और बाढ़ के चलते भंडारखोह में पहाड़ी का एक हिस्सा भूस्खलन के चलते उनके घरों तक पहुंच गया, साथ ही यहां पर मौजूद डैम भी जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे उन्हें खेती के साथ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। उन्हें इस बात का भी डर है कि अब यदि बारिश होती है तो डैम फूट सकता है, साथ ही पहाड़ी का मलबा उनके घरों तक पहुँच सकता है, इसीलिए उन्हें अन्यत्र स्थान पर विस्थापित किया जाए। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की एक नहर को भी बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर पहाड़ी का मलबा भर जाने से सिंचाई प्रभावित हो रही है, जिसके मरम्मतीकरण कार्य को शुरू करना भी बेहद जरूरी हो गया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज जिला प्रशासन और सीओ जिला पंचायत को ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। जन की तो हानि नहीं हुई, लेकिन ग्राम भंडार को हमें धन की बहुत हानि हुई है। धन की हानि का आशय ये है कि वो जलाशय जो है उसकी जो पार है वो पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है और किसानों को जो आज फसल खड़ी है उसमें जो केनाल है, जो पानी जाता है किसानों की केनाल से उनकी खेतों में, उसमें रेत भरने से अब वो आगे पानी नहीं जा पा रहा है, जिससे पूरी फसल जो है वो पूरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, जलाशय कहीं फूट ना जाए, इसको देखते हुए हम आज कलेक्टर साहब से और जिला पंचायत सीओ और जनपद सीओ से ये मांग कर रहे हैं, इनको दूसरी जगह स्थापित किया जाए या अगर जगह नहीं मिल पाती है तो जलाशय की पार को ऊंची की जाए और आज जो नहर में रेत समा गई है उसको किसी भी मद से स्वीकृत करा करके उस नहर की केनाल को साफ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार ICMR लैब जबलपुर एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट के ट्रूनॉट लैब से 9 सितंबर 2020 की देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के कुल 32 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों को उपचार के लिए कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में भर्ती कराया जा रहा है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 472 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 176 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 290 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 5 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है।
जिला कलेक्टर कार्यालय के सभा हॉल में गुरुवार को जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद ढाल सिंह बिसेन ने की। बैठक में राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व विकास परक कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के अंतर्गत रुके निर्माणाधीन कार्यों की भी समीक्षा हुई, साथ ही नवीन कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर दीपक आर्य, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उमा 2013 बैच की आईएएस है, उन्होंने ज्वाइन किया है। फ्रेंड भी 2013 बैच की आईएएस है। एडीएम बताया जाए रिश्वत लेकर उन्होंने बालाघाट ज्वाइन किया है। जैसे अपने पहले सीओ पंचायत और एडीएम तो उसी प्रकार से आप दोनों भी हैं, दोनों पति पत्नी हैं। अच्छी चीज़ इस बैठक में के माध्यम से ही माननीय सांसद महोदय ने हम लोगों को निर्देशित किया था और हम लोगों ने प्रयास किया और बड़ा अच्छा काम हुआ। ये मॉडल वर्क मतलब मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के लिए नहीं, मध्य प्रदेश के लिए और संपूर्ण मतलब मध्य प्रदेश के लिए हुआ। गंभीर मामला अनाज का मामला, बहुत घटिया चावल सप्लाई किया गया है, घटिया दाल सप्लाई कर रहे हैं, दाल भी बहुत घटिया है और उसमें खंडाधिकारी कलेक्टर एसपी की पूरी इसमें भूमिका जो है संदिग्ध है। और जो मिलर्स है वो अधिकतर मिलर जो है वो सारा बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकतर मिलर जितने भी हैं उनके मिल में छापा नहीं मार रहे, उनको पकड़ रहे हैं, वहाँ जांच ही नहीं कर रहे हैं। आपका ये सुमनापुर के पास रोशना में दम करके चोरी कर उसको नहीं पकड़ रहे हैं। फिर अभी छिंडलई जाम के पास वहाँ का रेत निकल रहा है डंपरों से। आपका भंडवा का रेत निकल रहा है सिकंदरा से, वाराशिनी से, खंडवा से और वो महंदोली वहाँ से रेत निकल रहा है। आपका चिचोली से रेत निकल रहा है। प्रतिबंध में बगैर एसपी के बगैर कलेक्टर के संरक्षण के लिए काम नहीं हो सकता। ये दोनों लोग जो है रेत की चोरी करवा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, इनको फोन लगा के जनता और ये फोन नहीं उठाते, बात ही नहीं करते, फोन ही नहीं उठाते, सरपंच लगा के फोन तो नहीं उठाते, थानदारों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कल की बात है, कल वहाँ खैरानी थाने में कि वहाँ पुलिस को फोन किया, कोई नहीं आया वहाँ से असली में, जबकि थाना वहाँ से मुश्किल से 6 किलोमीटर है। और खबरों के अंत में नजर डालते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ पर। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बोदा निवासी धान व्यापारी दिनेश नकपुरे ने सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। मवेशी बांधने के कोठे से उनका शव पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी हाथ लगा है जिसकी जांच की जा रही है।